ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुखीयमामृता। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। 25 तारीख को चंद्रमा जो है वो बदलकर फिर मेष राशि में आ जाएंगे और वो भी आपके लिए बड़े सुंदर योग बनाने वाले हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस सब उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। इस दिन इस चतुर्थी को उस दिन योग है और चतुर्थी में कुष्मांडा भगवती की आराधना की जाती है, माँ भगवती को पेठे का भोग लगाया जाता है। तो आपकी राशि के अनुसार से रक्त वर्ण का सिंदूरी पेठा जो है वो भगवती को अर्पित करने का प्रयास, केसर युक्त सिंदूरी पेठा जो है वो उसका भोग भगवती के समक्ष लगाएं और देखिए आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और आपके लिए बड़ा अच्छा है कि आपका लाभ आपके साथ बड़े अच्छे से आप काम करने के योग बनाने दिखाई दे रहे हैं। 26-27 तक का ग्रहों का योग इसी प्रकार का चलने वाला है आपके लिए और नए कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है, आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। केवल आपको मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है और नेगेटिविटी दूर रखते हुए कॉलेज विचारों को ठीक रखते हुए काम करें, उदासीनता से हटकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ बेकार के लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं, वो आपको अननेसेसरी के उनसे बचते हुए काम करने का आपको काम करना है, बस उनके बेकार के कामों। कई लोग ऐसे हो सकते हैं, अरे ये खाली बैठा है इसको लगा लो काम पर, तो ऐसे कामों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। 28 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, ये भी आपको मंगल के साथ जाकर बड़ा सुंदर योग बनाने वाले हैं, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं। केवल स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करने की जरूरत है, आपके लिए ग्रहों की स्थिति अच्छी रहेगी। 28 तारीख को महाकालरात, विशेष तौर पर कालरात्रि जी का पूजन किया जाता है, सप्तमी है उस दिन। महाकालरात्रि के निमित्त आप एक काम करें, उनका पूजन करें, शहद से उनका पूजन करें। और हमारे यहाँ तो एक विशेष तौर पर पूजन किया जाता है उस दिन, शत्रुओं की शत्रुता समाप्त करने के निमित्त, भगवती कालरात्रि के निमित्त सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम, इस मंत्र से पीली सरसों से आहुति दी जाती है विशेष तौर पर। ये बड़ा सुंदर है, देखिए हमें शत्रु से बैर नहीं है, शत्रुता से बैर है। तो हम प्रयास करें कि माँ भगवती से प्रार्थना करें कि शत्रु जिसके हमारे लोग हैं, जो उनके मन में हमारे प्रति शत्रुता है, वो शत्रुता का भाव समाप्त हो और मित्रता का भाव उदय हो। हमने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है अपने आश्रम पर इस नवरात्र पर, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। माँ भगवती दुर्गा का शिव विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान से 1947 में आया था, उनके सानिध्य में ये हर बार सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लोग आते हैं, दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप भी उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं इस नवरात्र में, यदि आप आना चाहें तो। आप उसके लिए स्थान आरक्षित करने के लिए जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बहुत दूर है उनके लिए व्यवस्था बनाई है कि पंडितगण उनके लिए निमित्त बैठ सकते हैं और उनके नाम और गोत्र से यज्ञ कर सकते हैं। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख तक ग्रहों की स्थिति इसी प्रकार रहेगी और 30 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये चंद्रमा थोड़े क्षीण हो जाएंगे, यहां पर चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने इमोशंस को ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा सा विशेष तौर पर जो धन का नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में यदि उस दिन महानवमी के दिन आप भगवती का विशेष तौर पर पूजन कर लें तो आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। इसलिए महानवमी है उस दिन, कन्या पूजन विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। 5 कन्याओं का विशेष तौर पर, छोटी कन्याओं को पैर धोकर उनका उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दें, उनको भोजन करा के उनका आशीर्वाद लें तो माँ भगवती कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इन सब चीज़ों को करते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों की स्थिति को देखते हुए लगता है कि बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, देखिए। और ऐसे में बृहस्पति के अस्त होने से आपकी राशि के अनुसार से आने वाले समय में कई थोड़े से आपके धन के संबंध में, व्यवसाय के संबंध में, ट्रेडिंग की लाइन के संबंध में और विशेष तौर पर अपने सुख के संबंध में कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसे में सुंदर नवरात्रों का सुंदर आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में उस समय भगवती का आराधना करके इस बृहस्पति के जो ये योग में समस्या आ रही है अस्त होने से, बृहस्पति से जो इन भावों में कष्ट होने के योग बनेंगे उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े सुंदर तरीके से नवरात्र में का आगमन हो रहा है ठीक बृहस्पति के अस्त होने से पहले, तो इस सुंदर मुहूर्त का आपको लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मन में शंका चल रही हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।